दुनिया में बजा भारत की एआई तकनीक का डंका। भारत के साथ तकनीक डेवलप करने में साथ आया अमेरिका। स्पेस और डिफेंस सेक्टर के बाद अब अमेरिका का एक और बड़ा ऐलान, अब भारत के साथ एआई तकनीक पर साथ काम करेगा अमेरिका। दोस्तों, इस टाइम भारत लगातार स्पेस और डिफेंस सेक्टर में कई इबारतें लिख रहा है। दोस्तों, आप अंतरिक्ष में भारत के मिशन को लेकर के देख लीजिए, जिसमें साथ काम करने के लिए जापान की जाक्षा, रूस की रोसकॉस्मोस और अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी लगातार हाथ पैर मार रही हैं। दोस्तों, इसरो के नाम सबसे विश्वसनीय और सस्ती रेट में सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड है। अमेरिका जैसा देश हजारों करोड़ रुपए में मिशन को लॉन्च करता है, तो वही स्पेस मिशन भारत कुछ ही करोड़ रुपए में लॉन्च कर देता है। दोस्तों, भारत के इसी हुनर को देखते हुए ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश इसरो से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं। बड़ी बात तो ये है कि खुद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा निसार सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए इसरो के पास आई है। वहीं दोस्तों, भारत रक्षा हथियारों को लेकर के भी लगातार काम कर रहा है। यहां तक कि दोस्तों, भारत की बनाई मिसाइलें अब पश्चिमी देश भी दनादन खरीद रहे हैं। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों का लगातार निर्यात हो रहा है। तो वहीं दोस्तों, भारत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर नकेल रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस हथियारों पर भी काम कर रहा है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मिशन के तौर पर ले रहा है और अब इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिका ने भारत को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद चीन की रातों रात टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, अमेरिका के इस ऐलान के बाद ये तय हो गया है कि अब जल्द ही चीन के खिलाफ भारत को कोई बड़ा रणनीतिक हथियार मिलने वाला है। वहीं अमेरिका ने एक और ऐलान किया है कि भारत के साथ एक और क्षेत्र को लेकर के वो काम करने वाला है, जिसमें भारत को भयंकर फायदा होगा। तो आखिर ऐसा क्या करने वाला है अमेरिका की टेंशन में आ गया है चीन। वहीं स्पेस और डिफेंस के बाद अमेरिका भारत के साथ क्या करने वाला है, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। चीन पर चाबुक चलाने भारत के साथ आया अमेरिका। भारत को लेकर अमेरिका ने पहली बार किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, भारत और अमेरिका अब एक साथ मिलकर के कुछ बड़ा करने वाले हैं। और ये बताने से पहले मैं आपको अमेरिका की ओर से भारत के लिए आए उस ऐलान की जानकारी दे देता हूं, जिससे दुनिया में भूचाल सा मच गया है। दोस्तों, इस वक्त चीन को लेकर के अमेरिका कई योजनाओं पर काम कर रहा है। वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर के क्वाड संगठन बना चुका है, तो वही दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान के साथ मिलकर के चिप संगठन बना चुका है, जो आईटी सेक्टर को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो वही दोस्तों, अमेरिका ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक ओकस संगठन भी बनाया है, जो चीन को घेरने का काम कर रहा है। यानी अमेरिका हर क्षेत्र में चीन को घेरने के लिए लगा हुआ है। और दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत जो भी रणनीतियां बना रहा है, उसमें भारत को अमेरिका का भरपूर साथ मिल रहा है। इस बीच अमेरिका ने भारत को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे चीन अब फिलहाल टेंशन में है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि एशिया में चीन को रोकने में कोई देश यदि उसकी मदद कर सकता है, तो वो केवल भारत ही है। दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने खुद ये बात कही है। लॉयड इससे पहले भी भारत के सपोर्ट में बात कहते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि चीन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। इस काम में भारत उसका करीबी साझेदार है। अमेरिका रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन को नहीं रोका गया तो फिर वो बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा, और चीन को रोकने के लिए अमेरिका भारत के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने चीन के साथ भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को ही बॉर्डर की मान्यता दे दी है। साथ ही उसने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। अमेरिका ने कहा कि वो आने वाले दिनों में चीन के मुकाबले के लिए भारत के साथ कई तकनीकों पर काम करने जा रहा है। हालांकि उनको लेकर के अमेरिका ने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि चीन का भारत के साथ विवाद है, इसकी जड़ चीन की आक्रामकता है, जो लगातार विस्तारवादी नीति की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका ने कहा है कि उनका देश भारत को उन हथियारों की तकनीक देने वाला है, जिसके बाद भारत चीन के द्वारा रची जा रही साजिशों का जवाब दे पाएगा, जिसमें परमाणु हथियार, लंबी दूरी की मिसाइलें, साइबर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों के इस्तेमाल और उनके रोकने के तरीके, साथ ही समुद्र की गहराइयों में जाकर किए जाने वाले हमले शामिल हैं। हालांकि दोस्तों, इससे आगे बढ़कर के भी अमेरिका ने एक और ऐलान किया है। एआई तकनीक पर साथ मिलकर के काम करेंगे भारत अमेरिका। भारत की आईटी क्रांति का दीवाना हुआ अमेरिका। दोस्तों, आप जानते हैं कि अमेरिका की जितनी भी आईटी इंडस्ट्री है, उसमें भारत का बड़ा रोल है।
भारत के वैज्ञानिकों और भारत के इंजीनियर्स ने अमेरिका में बहुत सारी तकनीक को डेवलप किया है और अमेरिका ने अब बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साझेदारी में पिछले कुछ महीनों में तगड़ी मजबूती आई है। अब कई और क्षेत्रों में अमेरिका और भारत मिलकर के साथ काम करेंगे, जिसमें खेती, फार्मा इंडस्ट्री और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर साथ काम करना शामिल है। दोस्तों, आज की डेट में चैट जीपीटी जैसी तकनीक लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए भारत और अमेरिका लगातार साथ आ रहे हैं ताकि बॉर्डर एरियाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक मजबूत दीवार क्रिएट की जा सके। इतना ही दोस्तों, अमेरिका भारत के साथ मिलकर के स्पेस इंडस्ट्री में भी तगड़े कारनामे करने जा रहा है, जिनको लेकर के चीन बेहद परेशान होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका को और कौन कौन से क्षेत्रों में साथ मिलकर के काम करना चाहिए और इस मामले में मोदी सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए?